हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। हम कर रहे हैं उत्तराखंड पीसीएस के लिए जीके, और इससे पहले हम कर चुके हैं हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। अगर आपने वो वीडियोस ना देखी हो तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा, और अगर आपको अच्छी लग रही हो वीडियोस तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा हमारे चैनल को। आज हम करेंगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड म्यूनसिपलिटी, मतलब लोकल गवर्नेंस इन उत्तराखंड, ठीक है? अर्बन लोकल सेल्फ एंड रूरल लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे हम। मुझसे बहुत लोग बोल रहे हैं कि मतलब छोटे छोटे पॉइंट लोग बोल रहे हैं कि मैम इसका ईयर बता दीजिए, या ठीक ही क्या है कि आपको मोस्ट ऑफ चीज़ें हम बता चुके हैं, ठीक है, मैंने बता दी हैं, आपको नोट्स मिल गए हैं अच्छे खासे। अब छोटी मोटी जो चीज़ें आ रही हैं ना, वो आप सर्च भी कर सकते हैं, खुद से सर्च कर लीजिए, ठीक है? हाँ, जहाँ जैसे मैं बता रही हूँ आपको, उसमें कुछ अगर मिस्टेक है तो वो हम आपको, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको जो वीडियो है उसके नीचे एक मैसेज मिलेगा पिन करा हुआ, उसमें वो चीज़ करेक्ट हो जाएगी। हालांकि कोशिश यही रहती है कि कोई चीज़ गलत ना हो। अभी तक एक से दो चीज़ें गलत हुई हैं, वो हमने आपको बता दी हैं, ठीक है? तो यार देखो, छोटी छोटी चीज़ों के लिए डिपेंड मत रहो, ठीक है, कि इसका ईयर बता दो किस में हुआ था, वो आप खुद भी कर लो, ठीक है, थोड़ा बहुत कर लो, अच्छा रहता है। गूगल करनी चाहिए ये चीज़ें, पढ़ाई के हिसाब से बहुत अच्छा रहता है, जितना ज़्यादा गूगल करोगे उतनी ज़्यादा नॉलेज पड़ेगी, ठीक है? तो बस यही कहना था मुझे। आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में। देखिए, रूरल लोकल बॉडीज इन स्टेट कंप्राइज करता है तीन स्ट्रक्चर्स होते हैं। जिला पंचायत होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल एट इंटरमीडिएट लेवल। देखिए, जो आपका उत्तराखंड है ना, उसमें ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल को क्षेत्र पंचायत मतलब बोलते हैं, ठीक है? ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल बहुत कम बोलते हैं, क्षेत्र पंचायत ज़्यादा है। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाता है आपके प्रीलिम्स में कि कौन सा जो चीज मतलब वो है टायर है वो रिप्लेस्ड है, ठीक है, रूरल लोकल बॉडीज़ में, तो क्षेत्र पंचायत है, ठीक है, एंड ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फर्स्ट इम्प्लीमेंट किया गया था 15 अगस्त 1947 में, यूनाइटेड प्रोविंस पंचायती राज एक्ट 1947 के अंडर, और थ्री टायर इसको कर दिया था 1961 में, कौन सी एक्ट के अंडर? यूपी एरिया कमिटी एंड जिला परिषद एक्ट 1961। अब पढ़ लेते हैं हम ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल, ठीक है, हेड कौन करता है इन्हें? ग्राम डायरेक्टली कौन हेड करता है? ग्राम प्रधान, जो कि डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, वो करते हैं हेड। और उसमें मेंबर्स कौन से होते हैं? वार्ड मेंबर्स होते हैं। अब वार्ड मेंबर का ना कहीं कहीं 5 दिया है, कहीं कहीं 15 दिया है, 7 दिया है। तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होती है ना, पॉपुलेशन के हिसाब से वार्ड मेंबर्स होते हैं, कि अगर 500 पॉपुलेशन है तो इतने वो होंगे, मतलब वो वार्ड होंगे, तो इतना आप 7 से लेके 15 तक होते हैं मैक्स टू मैक्स। पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए ग्राम पंचायत होने के लिए? 500 होनी चाहिए हिली एरिया में, और कम से कम 1000 से 10000 होनी चाहिए प्लेन एरिया में, तब ग्राम पंचायत आपकी बनती है। ये नो कॉन्फिडेंस मोशन का एक फैक्ट है कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब असहमति जताई जा रही है ग्राम पंचायत में, तो मैंडेटरी है कि कम से कम कितने जो मेंबर्स हैं वो एग्री होने चाहिए, 1/5 ऑफ मेंबर एग्री होने चाहिए, ठीक है? अ ग्राम सभा हैज ओनली वन ग्राम पंचायत। न्याय पंचायत कौन से एक्ट के अंडर एस्टेब्लिश हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तराखंड पंचायती राज एक्ट 2016। और इसमें क्या है कि इन्हें राइट टू पनिश दिया गया है, उनको आप पनिश कर सकते हो अंडर आईपीसी, जो छोटे मोटे क्राइम होते हैं ना उनके लिए, छोटे मोटे फाइन लेके छोड़ाछाड़ी कर देते हैं ये लोग, ठीक है, लेकिन जेल जेल का इन लोग के पास डिस्क्रिप्शन नहीं होता है न्याय पंचायत के पास, ठीक है? नेक्स्ट क्षेत्र पंचायत। क्षेत्र पंचायत के लिए पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए? 1250 होनी चाहिए कम से कम हिली में, हिली एरियाज में, और 2500 होनी चाहिए प्लेन एरियाज में, ठीक है? इसका जो प्रेसिडेंट होता है उसे प्रमुख बोलते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट को बोलते हैं डिप्यूटी प्रमुख, और जूनियर वाइस चीफ भी होता है इसका मेंबर। मेंबर कितने होते हैं? देखिए, 20 से लेकर 40 तक होते हैं, ठीक है? और जितने जो भी आपके, देखिए एक ना क्रोनोलॉजी चलती है, ग्राम पंचायत के जितने भी हेड होंगे, जितने मेंबर होंगे, वो क्षेत्र पंचायत में भी होंगे, ठीक है? उस तरीके से क्षेत्र पंचायत के जितने मेंबर होंगे वो डिस्ट्रिक्ट पंचायत में भी होंगे, एक तरीके से एक क्रोनोलॉजी चलती है, ठीक है? तो मेंबर्स कौन है? जितने भी विलेज हेड हैं वो होंगे मेंबर्स, ठीक है? और लोकसभा,
लोकसभा मेंबर्स होंगे, राज्यसभा मेंबर्स होंगे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं उस एरिया के वो होंगे, और सेक्रेटरी कौन होता है, BDO, जिसे हम बोलते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है। और ये क्या होता है, लिंक होता है बिटवीन द जिला एंड ग्राम पंचायत के बीच में लिंक होता है, ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट भी होता है। नेक्स्ट इज जिला और डिस्ट्रिक्ट पंचायत। जिन ब्लॉक्स की पॉपुलेशन 24,000 हिली एरियाज में और 50,000 प्लेन एरियाज में होती है, उनमें फॉर्म होता है जिला और डिस्ट्रिक्ट पंचायत। इसका नाम आप प्लीज़ एक बार ये चेक कर लीजिएगा कि सही है नहीं। वैसे तो मैंने ये बुक से लिखा है, जो हिमांशु कफलतिया सर की बुक है उसके अकॉर्डिंग है ये डाटा, ठीक है। हाइस्ट बॉडी होती है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की, और एक इसे कॉरपोरेट बॉडी भी बोलते हैं। और डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर को क्या होता है, प्रेसाइडिंग ऑफिसर होता है, वो प्रेसाइड करता है डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड होते हैं बाय द मेंबर्स ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ जिला पंचायत। जितने भी हेड्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, लोकसभा मेंबर, राज्यसभा मेंबर, स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर, ये सब क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट पंचायत के, ठीक है। और ये जो मेंबर्स होते हैं पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट पंचायत में और वोट भी कर सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते कब, नो कॉन्फिडेंस मोशन के टाइम पे नहीं कर सकते। ये वाला फैक्ट प्लीज़ आप एक बार और चेक कर लीजिएगा, हालांकि ये एग्ज़ाम में आना नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। ये थोड़ा सा डिटेल में इसलिए है कि आपको मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया था लास्ट ईयर, ठीक है। तो इतना ज़्यादा वही आर्टिकल देखिए, जो आपके पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वगैरह में ना आर्टिकल्स ज़्यादा आते हैं, जो भी आपका सोर्स हो, लक्ष्मीकांत, लूसेंट, वो प्लीज़ आप वहाँ से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके सेक्रेटरी, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर और पंचायती राज ऑफिसर होते हैं। डिस्ट्रिक्ट पंचायत 6 टाइप की सब कमेटी बनाती है अपने मेंबर्स के साथ, कौन सी, एक तो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, सेकेंड इज़ कंस्ट्रक्शन वर्क कमेटी, थर्ड इज़ एजुकेशन कमेटी, फोर्थ इज़ एडमिनिस्ट्रेशन, फिफ्थ इज़ हेल्थ एंड वेलफेयर कमेटी, एंड सिक्स इज़ वाटर मैनेजमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं हम अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट। 3-tier म्यूनसिपल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपैलिटी एंड नगर पंचायत, ठीक है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को गवर्न करते हैं बाय द यूनाइटेड प्रोविंस, यूपी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1956। और जो आपका होता है ना, अब ऐसे पढ़ते हो वो भी यही कहते हैं कि जो आपको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है वो आप कौन सी एक्ट के अंडर करते हैं गवर्न, 1956 के अंडर, लेकिन म्यूनसिपैलिटीज एंड नगर पंचायत को गवर्न किया जाता है म्यूनसिपैलिटीज एक्ट 1916 के अंडर, ठीक है, ये वाला फैक्ट आप याद रख लेना। नेक्स्ट इज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट तो यही है कि कितनी है उत्तराखंड में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कितनी है, और जो न्यूएस्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो कौन सी है, श्रीनगर है, कब आई थी एग्जिस्ट में, 1 जनवरी 2022 में, ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा फर्दर यहाँ पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, कम देखिए 100,000 से ज़्यादा होनी चाहिए प्लेन एरिया में और 90,000 इन हिली एरियाज। फर्दर इसको डिवाइड कर दिया गया इन लोगों ने, ठीक है, इसके दो, जैसे पॉपुलेशन अगर 500,000 से ज़्यादा है तो कौन सी उसमें है, सिर्फ एक ही म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 500,000 से ज़्यादा है पॉपुलेशन, देहरादून में, 200,000 से 500,000 के बीच में सिर्फ हरिद्वार में है, और 200,000 से कम है कितनी, इन सातों में, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप इन 9 के 9 नाम रट लेना, ठीक है, रट लो अच्छे से नाम। नेक्स्ट इज म्यूनसिपल काउंसिल और म्यूनसिपैलिटीज कितनी है उत्तराखंड में, 41 है, मिड साइज सिटीज़ होती हैं ये, ठीक है। पॉपुलेशन कहते हैं कि कम से कम 50,000 से 1,00,000 होनी चाहिए प्लेन एरिया में, और 90,000 इसका यही डाटा है आई थिंक। प्रेसिडेंट एंड काउंसिलर्स डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं और इनका टेन्योर होता है 5 ईयर का। 3 कैटेगरीज होती हैं फर्दर इसमें, म्यूनसिपैलिटीज़ जिनकी इनकम मोर देन 1 करोड़ फ्रॉम देयर ओन सोर्स, एंड द म्यूनसिपैलिटीज़ ऑफ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जिनकी इनकम कितनी है 50,00,000 से ज़्यादा है फ्रॉम आर ओन सोर्स। तो कितने हैं ये, 6 है म्यूनसिपल काउंसिल म्यूनसिपैलिटीज़, और दूसरी है म्यूनसिपैलिटीज़ विद इनकम मोर देन 50,00,000 एंड विद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पॉपुलेशन मोर देन 50,000, ये कितनी है 13 है, और बाकी बची वो है 22, ठीक है। इतना डिटेल में नहीं आता है, देखो जहाँ तक है बस आपने ये याद रख लो इसमें कि कितनी है, और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन 9 है तो 9 के नाम याद रख लो, जो नई बनी है वो याद रख लो, ठीक है। नेक्स्ट इज नगर पंचायत, नगर पंचायत कितनी है 51 है उत्तराखंड में, ठीक है। जो टाउन ट्रांसिशन में या रूरल टू अर्बन एरिया वहाँ पे नगर पंचायत होती है। पॉपुलेशन कहते हैं कि 5,000 से 50,000 होनी चाहिए नगर पंचायत के लिए।
ये कुछ नए फैक्ट्स है, जैसे कि मैंने बताया 9th म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कौन सी है, श्रीनगर है, और भगवानपुर ये क्या है, न्यू नगर पालिका है। ठीक है, मतलब ये इसमें ना जो आपका डाटा दिया है 51 41, ये उसमें इंक्लूडेड है, उसमें एक पॉइंट ये आया था तो मैंने सोचा कि आपको बता देती हूँ। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। और हाँ, अगर प्लीज़ देखिए, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, अगर आपको किसी फैक्ट में कुछ पता चले कि कुछ यहाँ पे गलत है, वैसे तो मैंने ये बुक से लिया है फैक्ट, ठीक है, तो गलत नहीं होता है, लेकिन हाँ 0.1% चांसेस अगर कहीं लगते हैं तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, मैं बता दूंगी आप लोगों को। ठीक है, और बस पढ़ते रहिए अच्छे से, एग्ज़ाम को बहुत कम दिन बचे हैं, कम से कम रोज़ आप 2.5 से 3 घंटे उत्तराखंड का जीके ज़रूर करिए, ठीक है, और उसके बाद करंट अफेयर और आपका जो भी साइंस है, पॉलिटी और हिस्ट्री, साइंस पॉलिटी हिस्ट्री इन तीनों पे बहुत ज़्यादा फोकस रखना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं लूसेंट से, वन लाइनर। ठीक है, बस पढ़ते रहिए अच्छे से, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।